भगवान जहां गायन है। गायन का मतलब होता है गाय का बहुवचन, गाय माता का, गाय का बहुवचन गायन, जहां गायन है। इसके दोनों अर्थ हैं, जहां पर संकीर्तन है। जो सुख हो तो गोपाल ही गाय, गाय का मतलब गौ माता और गाय का मतलब गाना। ये गाय शब्द का अर्थ कर रहा हूं। सूरदास जी कहते हैं जो सुख हो तो गोपाल ही गाय, सो सुख हो तो नहीं किए जप तपते कोटिक तीर्थ नहाए। जो सुख हो तो गोपाल ही गाय, ये गाय भगवान को बहुत प्रिय है। गाय सकल सुख कारिणी, हरिणी दुख महा, भव बारिधि भय नाशनी, भव बारिधि भय नाशनी, संत सुग्रंथ प्रमा। हो गाय सकल सुख कारिणी, हरिणी दुख महा, गो सेवा से भव तरे, गो सेवा से भव तरे, कितने भगत सुजान, हो कितने भगत सुजान, बदले लेख अभाग के साखी वेद पुराण, हो बदले लेख अभाग के साखी वेद पुराण, नित प्रति गो के निमित्त जो करते हैं कछुदान, नित प्रति गो के निमित्त जो करते हैं कुछ दान, परम धाम गोलोक में, परम धाम गोलोक को पावे निश्चय जान, परम धाम गोलोक को पाए निश्चय जान, तन मन धन को सेव से होए वेग कल्याण, तन मन धन को सेव से होए वेग कल्याण, गो सेवक का स्वयं हरि करते बहु सम्मान, गो सेवक का स्वयं हरि करते बहु सम्मान, व्यास पीठ पर बैठ जो करही गो गुण गान, व्यास पीठ पर बैठ जो करही गो गुण गान, व्यास पीठ पर बैठ जो करही गो गुण गान, व्यास पीठ पर बैठ जो करही गो गुण गान, करुण दास गोविंद को प्रिय लागे सम प्राण, करुण दास गोविंद को प्रिय लागे सम प्राण, गाय सकल सुख कारिणी, हरिणी दुख महा, हो गाय सकल सुख कारिणी, हरिणी दुख महा, गाय सकल सुख कारिणी, हरिणी दुख महा, गाय सकल सुख कारिणी, हरिणी दुख महा। सकल दुखों का शमन करने वाली भगवती गाय, अल्प पुण्यामुताम राजन विश्वासो नैव जायते, जिसके पुण्य कम हो गाय माता में उनका विश्वास नहीं बनेगा। वो लोग गाय को पशु ही मानते रहेंगे। देखो इतने से विचार कर लो, मल मूत्र सबका अशुद्ध होता है, मल मूत्र सबका अपवित्र है,
छू जाओ तो नहाना पड़ता है, और गाय माता का मलमूत्र अपवित्र को भी पवित्र कर दे। पावना नाम चे पावना, तन शुद्धि नहीं, वस्तु की शुद्धि नहीं, मन तक की शुद्धि कर देते। पंच गव्य प्राशनम महापातक नाशनम, जो गाय से तैयार पंच गव्य का प्राशन करता है, आरोगता है, उसका तन ही नहीं मन भी शुद्ध होने लग जाता है। जिसका मल निर्मल है वो स्वयं में कितनी निर्मल होगी। गऊ के गोबर को मल नहीं कहा जाता, नाम यह गोवर, गो का मतलब गाय, वर का मतलब श्रेष्ठ, गाय का श्रेष्ठ अर्थात गोबर। भैंस बर कोई नहीं कहता, भैंस का भी तो मल होता है। कभी सुना है भैंस वर, सब कहते हैं गो बर। भैंस का गोबर गोबर नहीं होता, वो भैंस बर होता है, केवल गौ का ही गोबर होता है। गौ का मतलब गाय, वर का मतलब श्रेष्ठ। तन छू जाए तन पवित्र, जीव छू जाए जीव पवित्र, अंदर चला जाए तो तन मन दोनों पवित्र। पंच गव्य प्राशनम महापातक नाशनम, यहां तक कि गौशाला में किसी की पापी की भी मृत्यु हो जाए, गौशाला में किसी पापी की भी मृत्यु हो जाए, यमदूतों की हिम्मत नहीं छूने की, कौन कहे जो उस तरफ दृष्टि भी देख ले तो, कर ले तो। गौ माता के शरीर से प्रत्येक क्षण एक दिव्य शक्ति का प्रसारण होता रहता है। गाय की पीठ पे हाथ फेरो, कितनी बीमारियां चली जाएंगी। गाय की गर्दन में जो कंबल होता है उस पे हाथ फेरो, कितनी बीमारियां निकलने लग जाएंगी। गौमूत्र हर रोज पियो, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। सारी दुनिया अगर सलाह कर ले गौमूत्र हर रोज पीना है, सब डॉक्टर चिल्लाएंगे हमारे लिए। मैंने कहा ना, गाय माता चलता फिरता औषधालय है। कहां तक महिमा गाए, स्वयं ठाकुर जी जिन गायों के पीछे पीछे चलते हैं। अब देखो गाय का देवता भी कितना सम्मान करते हैं। जब पृथ्वी के ऊपर पाप का भार बढ़ा तो कौन सा रूप धारण करके गई है देवताओं के पास गाय, वो पृथ्वी देवी भैंस बन के नहीं गई, क्या बन के गई? गौ। क्योंकि पृथ्वी देवी जानती है कि देवता गौ को कितना मानते हैं। मैं गौ बन के जाऊंगी तो मेरी पुकार सुनी जाएगी, पता है कि देवता ब्रह्मा आदि सब गाय को कितना मानते हैं। इसलिए भगवती पृथ्वी भी गाय बन करके जाती है। और गाय का एक दूसरा अर्थ शील स्वभाव वाली भी होता है। जिसका शील स्वभाव तो हम क्या कहते हैं, तो बिल्कुल गाय है, यही कहते हैं ना। गौ का एक अर्थ शील स्वभाव वाली भी है, ये तो गाय है। और गाय का एक अर्थ शरणागत भी होता है, गाय का एक अर्थ शरणागत भी होता है। कहते हैं मैं तो आपकी गाय हूं, मैं तो आपकी गाय हूं, मतलब आपकी शरण हूं। कैसे पवित्र पवित्र अर्थ है गाय माता की। ये गाय माता कथा सुना रहे थे प्रेम माधुरी भाई जी की, ये गाय का प्रसंग कैसे चला भाई, कोई है मेल कुछ कहीं से? और दरअसल आज कुछ चर्चा हुई थी गाय माता के ऊपर ही, तो था तो कि अंतिम दिवस गाय की चर्चा करेंगे और कुछ लोगों से संकल्प भी कराएंगे गाय माता के संबंध में। लेकिन गाय माता ने कृपा के बीच में आ गई है कि अभी शुरू करो थोड़ा थोड़ा, तब तक जोश भर जाएगा लास्ट के दिन तक। स्वयं कृपा करके बीच में आ गई है गाय माता। अब बताओ हम तो भूल गए कथा कहां तक हुई थी प्रेम माधुरी भाई जी की, अगर याद नहीं कराओगे कथा यहीं समाप्त, दूसरी कथा सुनाने लग जाएंगे। बोलो, हम तो भूल गए, गाय माता ने भुला दिया।
खड़े होके कोई बताए भाई हम तो भूल गए कहां से शुरू करने हैं, आवाज नहीं है, जोर से बोलो जरा। हाँ माइक पे बोलो, माइक पे बोलो, माइक दो जी। श्री राम, प्रेम के लिए कानून को परे कर दिया दुनिया के कानून को। अब हम आ गए, हम लाइन पे आ गए, धन्यवाद भाई। गाय माता का आकर्षण ही कुछ ऐसा है, हमारा कोई कसूर नहीं, गाय माता की महिमा ही ऐसी है, अपने में उलझा देती है। ये गाय माता की शक्ति का चमत्कार है। छत पे बैठी, निर्णय ले लिया, प्रेरणा प्रभु की तरफ से घटना से मिल गई और छोड़ करके वृंदावन आ गई, स्न्यासिनी हो गई। फिर मति शरण जी स्न्यासी बन गए, उनके चरणों में प्रणाम किया, क्यों? इसलिए कि मेरे गुरुदेव के स्वरूप हैं, सब संत गुरुदेव हैं। तो मेरा जो शिष्य है मति शरण, भले मेरा शिष्य है लेकिन चोला संत का हो गया है, इसलिए ये भी मेरे गुरुदेव जी प्रणाम किया। और जो ही प्रणाम किया तो उनके जो आदि गुरु हैं श्याम चरण दास जी महाराज प्रकट में हृदय में दर्शन दिए कि जो तुम्हारी आस्था है वो बिल्कुल सत्य है, सब संत गुरु स्वरूप हैं। संत की चरणी जे पड़े सो नर उधरण हार, और संत की निंदा नानका बहोरी बहोरी अवतार। बार बार जन्म होगा जो संत अवज्ञा करता है, मेरे गुरु मेरे गुरु, बाकी सब ऐवें ही है पंजाबी में। ये थ्योरी है बहुत लोगों की, ये बहुत नीच मानसिकता है लोगों की, बहुत घटिया सोच है। गुरु का मतलब बंधन नहीं होता, गुरु का मतलब आजाद होता है। जब गुरु धारण कर लोगे तो तुम आजाद हो जाओगे विचारों से, हर धर्म तुमको अपना लगने लग जाएगा, हर संत तुमको अपना लगने लग जाएगा, हर जीव तुमको प्रभु का स्वरूप लगने लग जाएगा। यह है गुरु बनाने की महिमा। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र माधवा, सब जगह भगवान दिखने चाहिए सबके भीतर। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझको सर्वत्र देखता है मैं उससे कभी अलग नहीं हो सकता, मैं उसमें हूं वो मुझ में है। मई ते तेषु चाप्यहम वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत ऊंची साधना है, लेकिन इस साधना मिलेगी कहां से? आदो श्रद्धा ततो साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ मृत्यु, धीरे धीरे प्रेम राज्य में प्रवेश होगा। तो मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सामरिया। लेकिन तुम लोग उल्टे चलते हो गुरु बना करके। अरे गुरु बनाकर तो तुम्हारे भगवान सर्वव्यापी हो जाने चाहिए, जब तुमने गुरु बनाया तुम्हारे गुरु सर्वव्यापी होने चाहिए। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारा गुरु तो सर्वव्याप्त है, वो गुरु तत्व, वो ज्ञान है, वो ज्ञान कण कण में है, कहीं से भी तुम ले सकते हो। 24 गुरु बनाए हैं दत्तात्रेय जी, जहां से भी शिक्षा मिली ले ली, और जहां से शिक्षा मिली उसको प्रणाम किया। और तुम लोग जब गुरु बना लेते हो तो सब संतों का प्रत्याग करने लगते, ये हमारे गुरु नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं, ये हमारे धर्म की कथा नहीं। तुमने गुरु बना करके बेड़ा पार नहीं किया बल्कि बेड़ा गर्क कर दिया है। ये कौन सी सीख ले रहे हो? गुरु बना के तो विस्तार होना चाहिए भावना का, और तुम भावनाओं को समेट लेते हो। भावना का विस्तार गुरु से होता है। गुरु का मतलब ही बड़ा, और बड़ा कौन है? तो परमात्मा से बड़ा कोई नहीं। और वो व्याप्तम ये न चराचरम अखंड मंडलाकारम, गुरु की महिमा में बताया। गुरु क्या है? अखंड है, लेकिन हमने टुकड़ों में बांट दिया गुरु को। वो गुरु, वो गुरु, वो मेरा, वो तेरा, वो छोटा, वो बड़ा, अखंड है गुरु, एक है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चर अचरम, सब जगह व्याप्त है। कितना घटिया सोच हमारी है, गुरु बनाकर भी गुरु बनाना नहीं आया। निगुरे हो,
गुरु बनाकर भी निगरे हो, अगर तुमको तुम एक जगह सिमट गए, घाटा पड़ा है गुरु बना के, आगे नहीं बढ़े, बैक मार गए। तुमने गुरु बना के गुरु का दुरुपयोग किया है, अपनी भावना का विस्तार ना करके समेट ली है, कितना बड़ा घाटा खाया तुमने गुरु बनाकर। इसलिए अहंकार को मत जोड़ो गुरु से, स्वयं जोड़ो और विस्तार करो, मेरा गुरु सब जगह है। यही शिक्षा लो प्रेम माधुरी बाई जी के जीवन से। अपने शिष्य को भी प्रणाम कर रही है, क्यों? संत भेष है, विरक्त हो चुके हैं दुनिया का त्याग करके, और हर विरक्त संत मेरा गुरु है, चाहे मेरा शिष्य क्यों ना हो। एक बार मति शरण जी को लेकर के प्रेम माधुरी बाई सुखताल आई है, क्योंकि उनके आदि गुरु श्यामचंद जी महाराज यहीं पर सुखताल में सुखदेव जी ने प्रकट होकर के दर्शन दिए थे, दीक्षा दी थी। अपने संप्रदाय के आदि स्थल के दर्शन करने के लिए और भी अनेक सेवकों को लेकर के, शिष्यों को लेकर के, मुख्यतः मति शरण जी लेकर आई है। दर्शन किए जहां पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, दर्शन किए उस स्थल के जहां पर उसके गुरुदेव को, परम गुरु को सुखदेव जी ने प्रकट होकर दीक्षा दी। सुखदेव जी के दर्शन किए विग्रह रूप में, अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन किए, उस पावन स्थली के दर्शन किए। वहां तो प्रतिष्ठित विग्रह है, लेकिन इसको था कि प्रकट में दर्शन दें। जब मेरे परम गुरुदेव भगवान को दर्शन दिए सुखदेव जी ने, तो इस दासी को भी दर्शन दे के निहाल करें। प्रार्थना की सुखदेव जी को, क्या इस दासी पे कृपा नहीं करोगे? मैं आपकी हूं, जैसे भी हूं आपकी शरण आई हूं, मुझको अंगीकार करो। तो सुखदेव जी ने प्रकट होकर के, जबकि और भी बहुत लोग थे, लेकिन दर्शन के दो को हो रहे हैं, माधुरी बाई, प्रेम माधुरी बाई जी और मति शरण जी, दोनों सुखदेव जी के सामने दर्शन करें, आंखें बिल्कुल स्थिर हो गई, जर्जर नेत्रों से आंसू। सब लोग जो परिवार के थे और थे अपने परिकर, सब देख रहे कि दोनों को क्या हो गया, अचानक दोनों खड़े हो गए, जड़वत हो गए, पलक तक नहीं झपक रहे, नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। कुछ समय के बाद जब सुखदेव जी अंतरहित हुए हैं, तब ये प्रकृतिस्थ हुए हैं। फिर अपने निजी परिकरों को बताया, जब पूछा कि क्या हुआ था आपको दोनों को, तब बताया सुखदेव जी की कृपा प्राप्त हुई है। वृंदावन में आप लोग जाते हैं तो जो दुसायत मोहल्ला है वहां पर सुख भवन नाम का आश्रम है, दुसायत मोहल्ले में, वृंदावन में। प्रेम माधुरी भाई ने अपनी सोने की चूड़ियां जो इनकी ननद ने पहना दी थी, इनके पति की मृत्यु के बाद इनकी ननद ने खाली कलाइयां देख करके सोने की दो चूड़ियां मोटी सी बना के पहन दी थी। उन दोनों चूड़ियों को बेच करके इसने एक जमीन खरीदी। इनके गुरु भाइयों ने, भक्तों ने अपने अपने नाम से एक एक कमरा बना दिया, विशाल आश्रम बन गया। आश्रम का नाम है सुख भवन। ये दुसायत मोहल्ले वृंदावन में पड़ता, स्नेह बिहारी मंदिर के बगल में है, बस बिहारी जी के मंदिर के पास ही पड़ता है। गोपाल मंत्र का अनुष्ठान किया इन्होंने, जो कई महीनों तक चला। मंत्र के अनुष्ठान के प्रभाव से इनको भगवान की दिव्य लीलाओं के दर्शन होने लगे थे, अनुभव होते थे। मति शरण जी रसोई तैयार करके, थाली सजा करके ठाकुर जी के लिए प्रेम माधुरी बाई को दे देते। प्रेम माधुरी बाई मंदिर में ठाकुर जी को भोग लगाती, पर्दा बंद करती और आंख बंद करके चिंतन करती कि मेरे प्रिया प्रीतम राधा माधव भोग आरोग रहे हैं, सखियां परस रही है। चिंतन करते करते देखा राधा रानी ने थोड़ा सा साग खा करके छोड़ दिया। सखी पूछ रही है क्या हुआ, कहता साग में नमक ही नहीं है। ये कौन देख रही है? प्रेम माधुरी भाई आंख बंद कर लीला चिंतन। उस समय आंखें खोली, पर्दा हटा दिया, मति शरण को बुलाया। मति शरण से कहा कि तुम साग में नमक डालना, और पास में घास की बाउंड्री थी चारों तरफ। अब सरकार जी की दिव्य शक्ति देखिए,
सत्संग छोड़ करके उठ गए, बाहर आ गए गली में, इधर वो आ रहे हैं इधर हम, दूर से बोले राधामोहनदास जी लगता सरकार जी आ रहे हैं। कुटिया से बाहर काफी दूर चल के आए और हाथ जोड़े गंदे पे, एक दुपट्टा रखा हुआ, हाथ जोड़े आ रहे हैं सीधे। नजदीक आए, हमने तैयारी कर रखी थी कि ऐसे संभाल के दंडो तो प्रणाम करेंगे, हम दंडो तो प्रणाम करें उससे पहले सरकार जी दंडवत लेट के प्रणाम करें। यह दीनता भाई जी की तरह, हम तो भिखारी हैं वो दाता हैं, और दाता भिखारी को प्रणाम कर रहा है, देखिए उनकी दीनता देखिए। मैं दंडो तो प्रणाम करूं, मुझसे पहले दूर से दंडवत लेट के प्रणाम किया, फिर हमने भी दोनों ने प्रणाम किया, उठ गए हम। वो काफी देर बाद उठे, स्तुतियां करते रहे, उसके बाद उठे, उठ करके राधा मोहन दास जी से बोले आज से पहले कभी मिलन नहीं, ध्यान रखना ही प्रथम मिलन था। सपने में मैंने अवश्य सरकार को देखा था लेकिन प्रत्यक्ष में कभी नहीं। सरकार जी राधा मोहन दास जी की तरफ देखते हैं, मेरी तरफ उंगली के इशारा करते, कहा ये करण स्वरूप जी है ना, उन दिनों हम करण स्वरूप जी के नाम से प्रसिद्ध थे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो राधा मोहन दास जी को कहा ये करण स्वरूप जी है ना, मैं तो हैरान हो गया, नाम भी पता चल गया, कोई पहले फोन नहीं किया, ऐसी प्रेम माधुरी भाई। सब संतों को खबर लग गई, उन दिनों बड़े प्रसिद्ध संत हैं ग्वारिया बाबा, सब जानते हैं जो वृंदावन में जाते हैं, बहुत लोग तो अभी जीवित हैं जिन्होंने ग्वारिया बाबा के दर्शन किए। ग्वारिया बाबा आने लगे माधुरी बाई के पास, वो सखा भाव के पास थे। एक दिन प्रेम माधुरी बाई ठाकुर जी का भोग सजा करके मंदिर की तरफ जा रही थी भोग लगाने, अचानक ग्वारिया बाबा आए, थाली से ही लड्डू उठाया, टप से मुंह में डाल दिया, ठाकुर जी अंगूठा देखा के चल दिए, है ना। सखा थे ठाकुर जी, सखा भाव में रहते थे। तब उसको पता चला कि बाबा सखा भाव के उपासक है, कि जमाने की कथा नहीं सुना रहा हूं, अभी आंखों देखी बंसीधर जी से मैं मिला हूं बिलासगढ़ बरसाने में पहाड़ी की चोटी पे। इस समय उनकी वहां पर जाए पुष्प समाधि है, बंसीदास जी महाराज की विग्रह की स्थापना वहां पर है। तो सर्प कथा में आता था, ऐसी मोर आता था, गुरांगदास बाबा आया करते थे, कथा सुनाते थे। प्रेम माधुरी बाई कभी किसी संत को लाती आश्रम में, कभी किसी संत को बुलाती, कथाएं सुना करती थी। ऐसी महीने भर की कथा प्रारंभ हुई, लेकिन बीच में होली उत्सव आ गया, वृंदावन में गली में उनका वो है, आने जाने के वाले लोग बहुत आते जाते हैं। आज बिरज में हो रही रसिया, गाते गाते नाचते खूब हुरदंग मचता था, लेकिन कथा में भी गनमत था। तो गौरांगदास बाबा ने कहा प्रेम माधुरी बाई को, लाली जब तक ये होली का त्यौहार है ना तब तक कथा स्थगित करो, हल्ला गुल्ला ज्यादा गलियों में रहता है, कथा में आनंद नहीं आता। कहा ठीक है बाबा, 8-10 दिन के लिए कथा बंद कर दो, बीच में फिर शुरू कर देना, तब तक मैं गिरिराज जी हुआ हूं, बरसाने में भी रंगीली होली देख के आ जाते हैं। कहाँ ठीक है। प्रेम माधुरी बाई मती शरण जी को लेकर के, उन दिनों उनकी बहनें दो थी विद्यावती और दयावती, वो भी आ चुकी थी जयपुर से, वो भी साथ में अपना शिष्य परिकर साथ में लेकर गिरिराज जी की परिक्रमा करने गई। परिक्रमा करते करते जब जतिपुरा पहुंची तो लोग वहां इकट्ठे हो रहे थे, ब्रजवासी कीर्तन कर रहे थे, रसिया गा रहे थे। उसके बाद चले हैं साथ साथ में प्रेम माधुरी बाई मती स्वर्ण जी दयावती विद्यावती और उनके शिष्य परिकर सब चले गिरिराज जी की तलहटी में आ गए, जहां पर दूध की धार चढ़ती है जतिपुरा में, वहां पर सब ब्रजवासी बैठे, समाज गायन हुआ। पूछा किसी ने शिष्य परिकर में से, ये क्या गा रहे थे? तो प्रेम माधुरी बाई ने कहा ये होली का उत्सव है, ये गिरिराज जी को निमंत्रण दे रहे थे कि कल जतिपुरा में होली है, होली खेलने गिरिराज जी आप आओ गलियों में, हमारे घर आओ होली खेलने। ये गिरिराज जी को निमंत्रण दे रहे थे। गिरिराज जी कौन है? साक्षात श्री कृष्ण है। कैसे? तो सुनो छोटी सी बात। राजस्थान की जयपुर की खदान से
पत्थर निकाला गया, पहुंचा जयपुर, उसकी मूर्ति घड़ी गई, पहुंची दुकान में, उसको खरीदा गया, वो पत्थर पहुंचा मंदिर में, उसमें फिर वेद मंत्रों के द्वारा कर्मकांड की पूरी रीति से, वैदिक रीति से उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराई। अब ये मूर्ति नहीं रहे, क्या बन गए? साक्षात ठाकुर जी बन गए। जब खान में था तो पाषाण था, मूर्ति था जब दुकान में था, जब मंदिर में आया तो हो गया भगवान, स्थापना हो गई। और कितनी महिमा है मूर्ति पूजा की, जो नहीं करते वो क्या जाने। चलो ये अलग प्रसंग, फिर सुनाएंगे अगली कथा में। लेकिन फिर भी एक बात है कि पत्थर की मूर्ति में भगवान की स्थापना की तो किसने की? तो एक इंसान ने की, पंडित ने की, कर्मकांड की रीति से। उसकी इतनी महिमा शास्त्र गाता है, जिस मूर्ति में पंडितों ने मंत्रों के बल से प्राण प्रतिष्ठा की है उसकी इतनी महिमा है। और जिस पत्थर में, पहाड़ में कह लो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही स्थापना की हो, जिस शिला में, जिस पर्वत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही स्थापना की हो, उस विग्रह की क्या महिमा होगी। वही है गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज महाराज की जय। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी स्थापना की है और प्रगट सहस्त्र भुजा धारण करके दिखा दिया गिरिराज ने भोग आरोगा, और स्वयं श्री कृष्ण प्रगट होकर के भोग आरोग रहे हैं और कहते हैं मैं ही गिरिराज हूं, मैं ही गिरिराज। तो गिरिराज पर्वत में स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिष्ठा की। गोवर्धन गिरिराज हैं, अद्भुत देव महान, ठाकुर के ठाकुर बने पूजे सकल जान। हमारे ठाकुर श्री कृष्ण हैं और हमारे ठाकुर के ठाकुर गिरिराज गोवर्धन हैं। एक बार मुझको कुछ अनुभूति हुई कि गिरिराज केवल कृष्ण ही नहीं है, राधा रानी भी है, क्योंकि ब्रज के ठाकुर कभी अकेले नहीं रह सकते। लेकिन मेरे पास कोई प्रमाण नहीं था, मैंने गर्ग गीता पढ़ी, उसमें गिरिराज खंड पढ़ा, कहीं भी मुझको किसी श्लोक में इशारा मिल जाए, ये संकेत मिल जाए कि गिरिराज जी राधा रानी भी हैं, लेकिन मुझको कोई आधार नहीं मिला। लेकिन मेरी भावना, मेरी भीतर की अनुभूति कुछ और कह रही थी। फिर मैंने सोचा भले मुझको शास्त्रीय प्रमाण ना मिला हो, लेकिन मैं स्वयं प्रमाण हूँ। यदि भी मैं किसी दूसरे को प्रमाण नहीं दे पाऊंगा, मैं अपने आश्रम में दो शिलाओं की स्थापना करूंगा, एक को कृष्ण के रूप में सजाऊंगा, दूसरे को राधा रानी का श्रृंगार करूंगा। फिर सोचा अगर किसी संत ने पूछा कि गिरिराज जी शिला तो श्री कृष्ण स्वरूप है, राधा रानी कैसे बनाई, ये क्या प्रमाण दूंगा मैं संतों को, और मेरे पास प्रमाण था भी नहीं, लेकिन मेरी अनुभूति थी कुछ। लेकिन कोई मेरी अनुभूति को मान्यता दे ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने स्थापना नहीं की, भीतर के भीतर बात रही। फिर अचानक एक ग्रंथ हमारे हाथ लगा, वो राधे बाबा का लिखा ग्रंथ था, जय जय प्रीतम काव्य। उसकी व्याख्या जो है, व्याख्या से चार खंडों में बड़ा मोटा ग्रंथ है, उसको मैंने पूरा पढ़ा, क्योंकि राधे बाबा और पूज्य श्री भाई जी के द्वारा जो भी कुछ लिखा जाता है मेरे लिए प्रमाण है, मुझको किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब जय जय प्रीतम काव्य की व्याख्या मैंने पढ़ी, उस समय पूज्य श्री बाबा जी लिख रहे हैं कि गिरिराज जी श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण कभी अकेले नहीं रह सकते हैं, इसलिए गिरिराज जी राधा भी हैं। बस मुझको मिल गया प्रमाण। उसी समय संध्या के समय में गया था अपनी झोंपड़ी में ऊपर कुटिया में, पढ़ते ही आंखों से आंसू आए, मेरा भाव प्रकट हो गया, अब मैं दिल खोल करके अपना भाव बाहर रख सकता हूं। कोई मुझसे प्रमाण मांगेगा तो मेरे पास ग्रंथ है, कोई अगर विरोध करेगा तो मेरे पास ग्रंथ है, प्रमाण। संध्या के समय हम गए, दो शिलाएं हमको प्राप्त हुई, एक श्याम वर्ण की, एक गौर वर्ण की। उन दोनों शिलाओं की स्थापना अभिषेक करा के कर दी, प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गिरिराज जी के हर कण में श्री कृष्ण का निवास, राधा कृष्ण का निवास। तो आज भी आश्रम में गौर शिला राधा रानी के रूप में श्रृंगार होता है, श्याम शिला का कृष्ण रूप में श्रृंगार होता है।
उसके बाद विशाल मंदिर बना गिरिराज का, उसके लिए फिर बड़े गिरिराज चाहिए थे, बड़े गिरिराज जी। वहां भी एक विचित्र खेल गिरिराज में, श्याम रंग के गिरिराज जी और उनके सिर पर गोर रंग का राधा रानी के चरण का चिन्ह है, शीश पर राधा रानी बैठा रखी ठाकुर जी, मंदिर की जो स्थापना हुई है। श्याम रंग के गिरिराज जी और गोर रंग का चरण चिन्ह तो स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप राधा कृष्ण का स्वरूप वो भी है। इसलिए हम मंदिर में स्थापित जो श्री विग्रह है गिरिराज जी का, कभी राधा रानी के रूप में श्रृंगार करते हैं, कभी ठाकुर जी के रूप में श्रृंगार करते हैं। आप लोग देखते होंगे व्हाट्सएप पे आते रहते हैं वहां के सब श्रृंगार। तो बात चल रही थी गिरिराज जी की, भक्तों ने पूछा प्रेम माधुरी भाई से कि जो निमंत्रण दे रहे हैं गिरिराज जी को कि घर में आना होली खेलने के लिए, क्या गिरिराज जी होली खेलने जाएंगे? तो प्रेम माधुरी भाई ने सहज ही कह दिया, अरे जाते थोड़ी हैं, ये तो भक्तों का भाव है। गिरिराज जी घर घर थोड़ी जाते हैं, ये तो भक्तों का अपना भाव है। ठाकुर जी के हृदय में एकदम ऐसी चोट लगी, कह कैसे दिया कि मैं घर घर नहीं जाता, कौन कहता मैं घर घर नहीं जाता? और मैं ब्रज वृंदावन में कहीं भी किसी के घर में कोई अमनिया हो ही नहीं सकता बिना भोग लगा। दुकानों पे भी जाओ देखो तो क्या दिखाया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, सुन के आप हैरान होंगे। जब भी किसी भी हलवाई की दुकान पे कोई भी खाद्य सामग्री तैयार होती है तो दिव्य दृष्टि से दोनों देख रहे हैं, तुलसीदास जी और हरिवंश जी के परम कृपा पात्र के शिष्य प्रत्यक्ष में देख रहे क्या कि भोग लग के न तैयार होके जो ही पात्र में डाला जाता था तो दिखाई दे रहा श्री कृष्ण आते हैं और भोग लगा जाते हैं। फिर घरों में दिखाया, घरों में रोटी बनी, भोजन तैयार, थाली लगाई, अभी ठाकुर जी तक पहुंचे नहीं मंदिर तक, वहीं पर रसोई में ठाकुर जी आ गए और भोग लगा गए। ठाकुर जी कहते हैं, वृंदावन का ठाकुर कहते हैं, मेरे ब्रज मंडल में कोई भी अमनिया खा ही नहीं सकता, जो भी खाएगा मेरा प्रसाद खाएगा, ये उनकी कृपा है। ये तुलसीदास जी ने दिव्य दृष्टि से दिखाया कि वृंदावन में एक भी घर ऐसा नहीं है, जहां पर चूल्हा है वहां भगवान है, बस। वृंदावन में ब्रज चौरासी कोस में जितने चूल्हे हैं उतने ही भगवान है कह लो बस, सबको अपना प्रसाद कृपा करके देते हैं, सब अपने हैं, जो भी ब्रज में आ गया सब प्रसाद ही खाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो माधुरी बाई जी ने कहा कि भगवान घर घर थोड़ी जाते हैं, ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ कि घर घर में नहीं जाता, कौन ऐसा ब्रजमंडल में घर है जिस घर को मैं अपना घर नहीं मानता, जिस घर में मेरा प्रवेश ना हो, जिस घर में मेरी रास ना हो, जिस घर में मेरा भोग ना लगे, कौन ऐसा है? ब्रजवासी तो मेरे बल्लभ हैं, मेरे प्रिय हैं, मेरे तन के प्राण, इन्हीं कबहु ना बिसारी हो मोहे नंद बाबा की आन। मैं नंद बाबा की सुगंध खाता हूं, जो भी ब्रज में बसेगा मैं उसका कभी प्रत्याग नहीं करूंगा। ब्रज में आना कठिन है, यासों कठिन है बास, और मरना सबसे कठिन है कहते करुणादास। ब्रज में आना ही बड़ा कठिन है, अगर कोई आ जाए तो वहां बसना बड़ा कठिन है, अगर कोई आके बस जाए तो वही मृत्यु हो, जीवन पर्यंत वहां बसा रहे ये तो और भी कठिन है। अभी करीब 3 या 4 साल पहले की घटना, हमारे आश्रम के बगल में एक धर्मशाला है हापुड़ वालों की, वहां कुछ यात्री आए थे, एक महिला बीमार पड़ी, शायद उसको श्वास की प्रॉब्लम थी, उसी समय उसको ले गए हॉस्पिटल मथुरा। एक संत कौन थे हम नहीं जानते, हमारे आश्रम वाली गली में प्रवेश किया, उसने इस घटना को देखा, महिलाएं परस्पर यात्रियों की हापुड़ की महिला परस्पर चर्चा कर रही है, देखो किस्मत है अगर बच जाए तो, भगवान कृपा करें किस्मत साथ दे तो शायद बच जाए, क्योंकि मथुरा दूर नहीं, समय से पहुंच जाएगी।
जब महिलाएं परस्पर विचार कर रही थी किस्मत है होगी तो बच जाएगी, देखो किस्मत साथ देती कि नहीं देती। वो अपरिचित संत थे, वो ब्रज की महिमा जानते थे, वो संत उनकी बात को काटते बोले किस्मत है अच्छी तो नहीं बचेगी, क्योंकि ब्रज का मरना सबके भाग्य में नहीं होता। हाँ किस्मत फूट की साथ बच जाए चली जाए हापुड़, शायद हापुड़ में जाके मरे एक पत्ने का मरे। वो संत बोले अपरिचित कौन थे। हम बड़े प्रभावित हैं सुन करके कि भगवान संत के रूप में क्या क्या उपदेश हमको देके चले जाते हैं। ब्रज में मरना कठिन है, सबसे कठिन है। संत बोले किस्मत अच्छी होगी तो बचेगी नहीं, मतलब ब्रज का वास मिल जाएगा, ब्रज में तन छूटेगा इसका। कितनी महिमा ब्रज की। तो वृंदावन में जो ठाकुर जी हैं वो घर घर जाते हैं, हमें तो होश नहीं भैया रहता क्या करें, घड़ी अपना काम काल अपना काम करते, हम तो भूल ही जाते। आदत नहीं ना कंट्रोल में रहने की हमारी, अब टीवी ने हमको बांध दिया, अभी हमारा कसूर भी नहीं, घड़ी अब रखी है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेम माधुरी बाई के मन में जब भाव आया और कह दिया व्यक्त कर दिया कि गिरिराज जी घर घर थोड़ी जाते हैं, तो ठाकुर जी को तो ऐसा लगा कि जैसे किसने तीर को जहर से बोर करके हृदय में मारा हो। क्या बोल रही है बाई जी, मैं घर घर नहीं जाता, इतना बड़ा झूठ, अब इसको प्रत्यक्ष करके दिखाना है। उसके बाद समाज समाप्त हुआ, फिर यात्रा इनकी गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए आगे बढ़ी, तो उस समय ठाकुर जी ने खेल किया। प्रेम माधुरी बाई अपने शिष्य मंडली के साथ जा रही थी दान घाटी की तरफ और सामने से ठाकुर जी आ रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहे, केवल प्रेम माधुरी बाई को, सुंदर मुकुट गले में बनवाला सब सुसज्जित, वस्त्र अलंकारों से अलंकृत, हाथ में बंसी लिए मंद मंद मुस्कुराते जा रहे हैं। प्रेम माधुरी बाई मन में विचार कर रही है ये रासधारियों का बालक कितना सुंदर है, वो तो यही सोच रहे कि रास मंडली वाले जो होते उनका स्वरूप है कोई तैयार किया हुआ, इधर कहीं रासला हो रही होगी मंडली की, वहां जा रहा है। देख गई देखती गई कितना सुंदर है बालक, देखो अकेला कैसे जा रहा, अगर किसने ये सोने चांदी का श्रीमान सब श्रृंगार छीन लिया तो कैसे निर्भीक होकर के जा रहा है। ठाकुर जी प्रेम माधुरी बाई को देखे, प्रेम माधुरी ठाकुर जी को, निकल गए आके धीरे धीरे आए निकल गए, फिर पीछे मुड़ के कहने कितना सुंदर बालक है। मती सरण जी बोले भाई जी क्या लाए बलाए क्या बोलती जा रही हो, क्या कौन है, कौन सुंदर कौन है का देखो। जब देखा तो ठाकुर जी भीड़ में गायब हो चुके थे। अभी पूर्ण विश्वास नहीं हो पा रहा कि साक्षात ठाकुर जी थे, कि जरूरी नहीं कि ठाकुर जी अपने असली स्वरूप में छद्म भेष बना सकते हैं, श्रृंगार वही ठाकुर जी वाला लेकिन भेष छदम था, रूप माधुरी को ढका हुआ था, जो उनकी रूप माधुरी है जिसको देख करके व्यक्ति स्त्री की सुध भूल जाए, वो रूप माधुरी को छुपा के छदम भेष बनाया था। प्रेम माधुरी भाई यही सोचते कि ये तो राजधारियों के ठाकुर जी, लेकिन अंतर्ध्यान गायब हो कहाँ हो गए, हो सकता है यात्रियों की भीड़ में नहीं दिखाई दे होगा, शंका बनी रही ये छदम भेष में ठाकुर जी थे या कोई बालक था जो राजधारियों का बालक कृष्ण स्वरूप में कहीं जा रहा। लेकिन बोली कुछ नहीं, अनमनी से रही, ये साक्षात ठाकुर जी थे क्या थे। उसके बाद सोचते सोचते परिक्रमा करते करते दान घाटी आ गई। दान घाटी पे जो ही दर्शन किए देख करके हैरान हो गई, जो वस्त्र जरी किनारी हरी ड्रेस, जो वस्त्र ठाकुर जी के तरास बिहारी के, वही ठाकुर जी यहां पर मंदिर में सजे हैं गिरिराज जी। जैसे जैसे अलंकार धारण के तो जो होते हैं वही अलंकार, ये मैं क्या देख रही हूं, उनको यहां देख रही हूं। या प्रीतम राधा रानी का प्रार्थना की, हे किशोरी जब तुम इतनी कृपा कर रही हो, शब्द बंसी के स्वर बंसी के शब्द नूपुर के जब स्वर्ण गोचर हो रहे हैं तो प्रत्यक्ष में दर्शन क्यों नहीं देती। रात भर अन्वेषण करती रही, ढूंढती रही राधा रानी को, छम छम की आवाज आती लेकिन दर्शन नहीं होते।
प्रार्थना की। देव भैया को लाडली राधिका प्यारी करुणामयी, राधिका लाडली प्यारी करुणामयी, मुझसे कब तक यूं रूठी रहोगी बता। लाडली राधिका प्यारी करुणामयी, मुझसे कब तक यूं रूठी रहोगी बता। एक पल भी बिना तेरे कटता नहीं, एक पल भी बिना तेरे कटता नहीं, एक पल भी बिना तेरे कटता नहीं। दूर चरणों से रख मुझको यो ना सता, लाडली राधिका प्यारी करुणामयी, कब तक यूं रूठी रहोगी बता। मैंने माना कि मैं एक गुनाहगार हूँ, मैंने माना कि मैं एक गुनाहगार हूँ, तेरे काबिल नहीं मैं शर्मसार हूँ, तेरे काबिल नहीं मैं शर्मसार हूँ। चाहे जैसी भली या बुरी आपकी, जान अपनी करो माफ मेरी खता। चाहे जैसी भली या बुरी आपकी, जान कर अपनी कर माफ मेरी खता। लाडली राधिका प्यारी करुणामयी, मुझसे कब तक यूं रूठी रहोगी बता। लाडली राधिका प्यारी करुणामयी, मुझसे कब तक यूं रूठी रहोगी बता। श्याम वरदायिनी अब तो देर ना कर,